नमस्ते सत श्री अकाल केम छो, माय नेम इज नालिनी एंड वेलकम टू माय किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं फलहारी वाली सब्जी, यानी कि आलू की सब्जी। आप इसको फ्राइड आलू भी बोल सकते हैं, लेकिन इस आलू की सब्जी को या फ्राइड आलू को मैंने दिया थोड़ा सा हेल्दी टच। तो कैसे ये नवरात्रि स्पेशल जो रेसिपी है उसको हेल्दी टच दिया, आइए देखते हैं। चाहिए बॉयल्ड आलू, मैंने यहाँ 4 आलू लिए हैं। और आपको कैसे काटना है, इसको ऐसे बीच से काटें, फिर क्या करें अगेन इसको ऐसे काटें, और बस हमको इतने ही बड़े बड़े पीसेस चाहिए। और इस तरीके से हम सारे आलू काट लेंगे। ये 2 छोटे टमाटर हैं और इसको रफली चॉप कर लीजिए। इसके अलावा मसालों में चाहिए जीरा 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, सेंधा नमक स्वाद अनुसार डालें, लेकिन ध्यान रखें कि जो सेंधा नमक होता है नॉर्मल नमक से ये थोड़ा कम होता है, मतलब इसमें नमक की मात्रा थोड़ी कम लगती है हमको, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि मुझे नमक थोड़ा तेज पसंद होता है। लेकिन आप इसको डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हरी मिर्ची मैंने 2 ली है, ये भी लें आप स्वाद अनुसार। ये है रोस्टेड मूंगफली, मैंने तवे पे यूं ही रोस्ट कर लिया है। जनरली लोग घी में फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगी अगर आप व्रत में खा रहे हैं तो घी का कम यूज करें और उसको रोस्ट करके खाएंगे, तो इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आलू के साथ कई और चीजों के मिलाने से वो हेल्दी हो जाएगा। घी लेंगे हम 1 चम्मच, और देसी घी यूज करते हैं व्रत में। आप चाहें तो जो भी घी ऑयल आप व्रत में खाते हैं वो ले सकते हैं, मैं देसी घी ही खाती हूँ इसलिए हम देसी घी डालेंगे 1 चम्मच। हरी धनिया ले, धनिया में भी अपना बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, तो धनिया अच्छी मात्रा में लें। एक पैन लें और उसमें डालें 1 चम्मच घी। आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज नहीं करते हैं तो। घी गर्म होने के बाद आप उसमें डालें जीरा, जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये हेल्दी भी होता है। डालें हरी मिर्च, डालें इसमें टमाटर। फ्रेंड्स मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, मैं टमाटर डालते ही मैं तुरंत आलू डालती हूँ ताकि इसका जो रस है मेरे आलू में अच्छे से चला जाए और उसका टेस्ट जो टैंगी आता है बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैं डालूंगी आलू, ये हमारे बॉयल्ड आलू हैं जिनको हमने पीसेस में काट लिया था, और इसको दें एक अच्छा सा मिक्स। इसके बाद डालें काली मिर्च, काली मिर्च डालें स्वाद अनुसार, क्योंकि हरी मिर्च भी आपने डाली है तो दोनों चीज़ तीखा हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों चीज़ अपने स्वाद अनुसार ही डालें। अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें और ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। साथ ही डालें सेंधा नमक और इनको दें अच्छा सा मिक्स। मीडियम आंच पे इसको हमको पकने देना है, और इसको चाहे तो आप ढक के पकाइए चाहे आप खोल के पकाइए, बस ध्यान रखना है इस पे नज़र रखना है। और इसमें पकने जैसा बहुत कुछ नहीं होता है, जस्ट आलू को क्रिस्पी करना होता है और टमाटर का रस इसमें मिल जाए, हमको बस उतना ही टाइम लगता है। तो बहुत जल्दी बनता है, 3 से 4 मिनट में ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ढक देती हूँ, और ये देखिए काफ़ी आप देख रहे होंगे टमाटर गल चुका है। बस अब करना क्या है हमको, अब लास्ट में इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। इसको दीजिए एक अच्छा सा मिक्स, और डालिए इसमें हरी धनिया ढेर सारी, और इसको भी कीजिए मिक्स। गैस को कीजिए बंद, और ये बन गया आपके चटपटे आलू फलहारी वाले यानी व्रत वाले। देखा कितनी जल्दी फटाफट बनाओ, और ये काफ़ी हेल्दी है और अब आप ये खा सकते हैं क्योंकि बना ये नालिनीज़ किचन में। अब इसको हम करेंगे सर्व, अब इसको करेंगे सर्व इस तरीके से, और ऊपर से हम ये रोस्टेड जो मूंगफली है और डालेंगे। अगर आपको मूंगफली अच्छी नहीं लगती है, जो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती आप उसको नहीं डालें, और चूंकि मुझे अच्छी लगती है और ये हेल्दी भी होती है, तो हमारा ये पूरा एक बोल हेल्दी बोल तैयार हो गया। तो सिर्फ आलू नहीं खाइए इस बार नवरात्रि में, इस नवरात्रि या व्रत में जो भी आपके व्रत पढ़ते हो उस व्रत में आप उसको हेल्दी बनाएं। थोड़ा मूंगफली डालें, टमाटर डालें, टमाटर में विटामिन्स होते हैं, ग्रीन चिलीज में भी विटामिन्स होते हैं, धनिया में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को मिलाइए। साथ ही साथ आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल करके उसको और हेल्दी बना सकते हैं। तो जब भी खाइए ये सोचिए कि उस खाने में पौष्टिकता कितनी आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा लगे मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करें नालिनीज़ किचन, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए। अभी के लिए आपकी नालिनी इजाज़त चाहती है, नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल भी दबाएं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।